पुरी में मंगलवार को रथ यात्रा के दौरान मंदिर से रथ ले जाते समय भगवान बलभद्र की मूर्ति ही भक्तों पर गिर गई। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। हाथरस घटना के बाद पहले आई भगदड़ की खबर। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हो गए। अर्चना आई थी इसी बीच में, पहला जो रिजोल्यूशन हुआ उसको काम कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि इसी बीच में जो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये वगैरह कॉम्पिटेंट ऑफिसर सब व्यस्त रहे रथ यात्रा में जो कि कल रात ही समापन हुआ है। पुलिस ने हालात को तुरंत नियंत्रण में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा भगवान बलभद्र के ताल ध्वज को खींचने के दौरान ही हुआ। भगवान को ले जाने की इस प्रक्रिया को पहांडी अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है जो लोग मूर्ति ले जा रहे थे उनका अचानक संतुलन बिगड़ गया, इसके कारण यह हादसा हो गया। एक घायल सेवादार ने बताया कि मूर्ति से बंधी रस्सी में कुछ समस्या आने के कारण यह हादसा हुआ। उधर पुरी में रथ यात्रा के दौरान रविवार को ही कुछ पुलिस कर्मियों समेत लगभग 130 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से आधे लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 40 लोग का इलाज अभी भी चल रहा है। बता दे पिछले 53 साल से ये रथ यात्रा एक ही दिन होती थी लेकिन इस बार 2 दिन की हो रही है। इससे पहले 1971 में रथ यात्रा 2 दिन की हुई। लाखों की संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। खैर खबर बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।